सात रोज हो गया है, हम लोग भूखे हैं, हमारे माननीय सांसद महोदय नहीं है, हमारे माननीय पासवान जी नहीं है, इसलिए हम लोग मायूस हैं। हम लोग नवासी से दलित कैडर रहे हैं, किसी भी पार्टी में नहीं गए हैं, लेकिन आज हम लोगों को लग रहा है कि साहब के बिना हम लोग डोर हो चुके हैं। हाँ, मेरा नाम बैजनाथ पासवान हूँ, मैं नवासी ईस्वी से माननीय पासवान जी के दलित सेना का महासचिव जिला कर रहा हूँ। मैं बीजेपी में रहते एक गठबंधन में इंजीनियर नसीम साहब का मैंने कार्यक्रम जो देखता था, साझा मंच होता था, तो इसमें इसका कार्यक्रम एलजेपी से बहुत लगाव होता था और इसका अनवरत सेवा की भावना से देखते कि दलित वर्ग में जाकर फ्लड हो या बाढ़ हो, किसी भी समय में दलित लोगों से इसका काफ़ी संबंध था, इससे मेरा लगाव बना। आज इसके टिकट की बात हुई, बीजेपी में किसी तरह जदयू और बीजेपी में गठबंधन होने के कारण यह टिकट से वंचित रह गए, जिसके चलते ये मायूस होकर आज माननीय चिराग बाबू के शरण में आए हैं, एलजेपी में आए हैं, और इनका टिकट भी लगभग तय था, हम इनके साथ हैं और हमको पूरी आशा था कि मैसी विधानसभा 77 में अगर ए नसीम साहब, अगर इंजीनियर साहब बनते विधायक, तो वहाँ का क्षेत्र का विकास एक युवा बिहारी, फर्स्ट बिहार, फर्स्ट बिहारी का तर्ज पर होता और यहाँ के जनता खुशी मनाते। और माननीय चिराग बाबू से मेरा निवेदन है कि आप युवा फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं कि इंजीनियर साहब जैसे उम्मीदवार को महसी 77 में टिकट किसी और का क्लियर हुआ है? क्लियर नहीं हुआ है, आज सात रोज हो गया है, हम लोग भूखे हैं, हमारे माननीय सांसद महोदय नहीं है, हमारे माननीय पासवान जी नहीं है, इसलिए हम लोग मायूस हैं। हम लोग नवासी से दलित कैडर रहे हैं, किसी भी पार्टी में नहीं गए हैं, लेकिन आज हम लोगों को लग रहा है कि साहब के बिना हम लोग डोर हो चुके हैं, यही स्थिति है सर। इसलिए टिकट ऐसे जल्दबाज को नहीं मिलेगा तो दलित का कोई सेवा करने वाला उस विधानसभा वाला आज तक नहीं। हम लक्ष्मण चौधरी के नजदीक से देखते आ रहे हैं, कांग्रेस के समय से देखते आ रहे हैं, आँख में आंसू टपक रहा है क्योंकि आज हमारे माननीय लोजपा के संस्थापक नहीं रहे। इसको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और अपने आप को टूअर महसूस करता हूँ। अभी उनके जाने के बाद पार्टी की परिस्थिति क्या लगती है? पार्टी की परिस्थिति अभी ये लगता है, चिराग बाबू को आज तीन दिन से हम लोगों का आश्वासन मिला था, लेकिन कल से हम लोगों को खेदारा जा रहा है क्योंकि आरजेडी के जो पूर्व मंत्री हैं अब्दुल गफूर महेशी से पांच बार विधायक रहे हैं और मंत्री रहे हैं, उनका बेटा आज आ गए हैं इस पार्टी में और चाहते हैं कि एक गरीब, एक नौजवान जो फर्स्ट बिहारी बिहारी के तर्ज पर उतरता है, जो साइंस से हैं, कंप्यूटर साइंस से हैं, एमसीए किए हैं, ऐसे लोगों को यह नहीं मिले। इसको संचालक जो दो लाइन बोल नहीं सकता है, मुझे लग रहा है अभी तो स्पष्ट नहीं हुआ है या हुआ है कुछ? अभी स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन मुझे पूर्ण आशा है अपने नेता पर कि टिकट जब भी मिलेगा तो, और यह लड़का हमेशा जब भी हमारे एलजेपी के मंच पर चढ़ते थे, साझा मंच होता था, इस लड़का को अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सब गाली बकते थे, यह गाली को मैंने नज़र से देखा है इसलिए, और पासवान जी का कोई विरोध करता था तो यह सड़क पर उतरने का काम करता था, इसलिए हमारे साथ कदम में कदम दलित के साथ चलता था। इसलिए मुझे इन ऐसे लोगों से मेरा पुनः आग्रह है कि मैं पासवान जी के चिराग बाबू से निवेदन करूंगा कि ऐसे नौजवान को महसी से टिकट दिया जाए, यही मेरा विनती है। आप देख रहे थे TFP न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए। सभी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट thefourthflood.in को विजिट कीजिए और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए TFP न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।